हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। और फ्रेंड्स, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो शाम के 5 बजे होती है। और देखिए फ्रेंड्स, हमने राजपूतों का उदय किस प्रकार से हुआ, ठीक है, हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा डिस्कस कर लिया है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन उसी चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हम यूपी डीएलएड से रिलेटेड सारी क्लासेस पर जितने भी इन्फॉर्मेशन है इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि जयचंद्र ने पृथ्वीराज की सहायता क्यों नहीं की, ठीक है। तो हमने डिस्कस भी किया था कि जयचंद जो था वो पृथ्वीराज की सहायता क्यों नहीं की। तो इसमें जो आंसर दिया है कि जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता इसलिए नहीं की, क्यों, क्योंकि पृथ्वीराज की जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था, इसलिए जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता नहीं की थी। हमने इस टॉपिक पे बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा कि जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता क्यों नहीं की, तो जयचंद ने पृथ्वीराज की सहायता इसलिए नहीं की क्योंकि पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री, ठीक है, जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, उसका अपहरण कर लिया था, इस वजह से जो जयचंद थे वो पृथ्वीराज की सहायता नहीं किए। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, तराइन का मैदान क्यों प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, ये भी हमने डिस्कस किया था, तराइन के मैदान में 2 युद्ध हुए थे, ठीक है, प्रथम युद्ध 1191 में और एवं द्वितीय युद्ध 1192 में, इसलिए क्या है, यह प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा जो आपका प्रश्न है कि चहमान वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो फ्रेंड, चहमान वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि भोज किस वंश का राजा था, उसकी राजधानी क्या थी। तो फ्रेंड्स, भोज परमार वंश का राजा था और उसकी राजधानी जो थी धारा नगरी थी, ये आप सभी को याद भी होगा। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि परमार वंश का सबसे शक्तिशाली जो था वो शक्तिशाली शासक था वो था राजा भोज। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो भोज किस वंश का राजा था और उसकी राजधानी क्या थी, तो वो परमार वंश का राजा था और उसकी राजधानी जो थी वो नगरी थी, ठीक है, या धारा नगरी भी, आप इस तरीके से भी रिलेट करके याद कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए फिफ्थ आपका क्वेश्चन है कि खजुराहो क्यों प्रसिद्ध था, ठीक है, जो खजुराहो था वो क्यों प्रसिद्ध था। तो खजुराहो स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, यह भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो फ्रेंड देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है कि जो खजुराहो था वो क्यों प्रसिद्ध था। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्थापत्य कला मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, पहला पॉइंट तो यही आप सभी याद कर लीजिएगा। और वहाँ खजुराहो में भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ था, इसलिए जो खजुराहो था वो बहुत ज़्यादा ही आप कह सकते हो प्रसिद्ध था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सिक्स आपका प्रश्न है कि राजपूत काल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो फ्रेंड्स, हमने ये भी देखा था कि राजपूत काल जो कि छोटे छोटे जागीरों में बट गया था, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 विशेषताएं यानी छोटे छोटे राज्यों का विकास हुआ था राजपूत काल की, और दूसरा कि इस काल में प्राय युद्ध हुआ करते थे, क्योंकि हमने जितने भी स्टेप बाई स्टेप देखे थे, इस राजा ने इसको हराया, इस राजा ने इसको युद्ध करके अपना शासन, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राजपूत कालीन में ज़्यादातर युद्ध ही हुए हैं। तो यहाँ पर ये 2 विशेषताएं हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे राज्यों का विकास हुआ और इस काल में प्रायः युद्ध हुआ करते थे, ठीक है। सेवंथ आपका प्रश्न है कि भोज प्रबंध किसकी रचना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ऐसे आपसे भी मतलब थोड़ा डाउट हो जाएगा, क्योंकि ये हो सकता है राजा भोज का है, लेकिन नो फ्रेंड्स, ये राजा भोज का नहीं है। भोज प्रबंध जो है किसकी रचना है, तो बल्लाल की है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, जो भोज प्रबंध है वो किसकी रचना है, तो बल्लाल की है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो इसमें बहुत ज़्यादा डाउट, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें जो नाम है वो भोज का नाम छिपा है, तो इसलिए कभी कभी गलत हो जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा बल्लाल, ठीक है। आप बाहुबली मूवी देखे होंगे, उसमें भी थे इसी नाम से, तो भोज बल्लाल, भोज बल्लाल यानी बहुत ज़्यादा खाना, बल्लाल देव खाया करते थे, इस तरीके से भी रिलेट करके याद कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भोज प्रबंध। और आपसे भी, और आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जो ज़्यादा भोजन करेगा उसके पास ज़्यादा बल रहेगा। तो इस प्रकार से भोज प्रबंध किसकी रचना की, तो बल्लाल ने की, ठीक।
तो ये क्वेश्चन सेवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए आठवां जो आपका प्रश्न है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है, ये भी तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो विल्हाड़ की है। ठीक है, जैसे कि हमने भोज बल्लाल देखा, तो ये भी कुछ आप ट्रिक से याद कर सकते हो। विक्रम, ठीक है, बिल्हाड़, तो विक्रम और बिल्हाड़ क्या थे, दो भाई थे, आप देख सकते हो दोनों का नाम सेम था, विक्रम और बिल्हाड़। तो आप इस तरीके से भी रिलेट करके याद कर सकते हो कोई भी। देखिए जब तक आप कुछ ट्रिक नहीं बना के कुछ उससे रिलेट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करें और इस तरीके का अगर हिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप सभी को याद करना है, तो कुछ आप सभी को अपने ट्रिक्स के द्वारा कुछ रिलेट करके अगर आप याद करते हो तो बहुत ही ईजिली तरीके से याद हो सकता है। तो इसलिए विक्रम और बिल्हाड़ क्या थे, दो भाई थे। अब जब भी नाम आएगा तो विक्रम तो साथ में आएगा ही और बिल्हाड़ भी साथ में आएगा, दोनों एक साथ ही रहते थे। ठीक है, इसलिए जो बिल्हाड़ और विक्रम थे बहुत ही मतलब अच्छे दोनों भाई थे, उनकी संज्ञा दी जाती थी। इस प्रकार अगर आप रिलेट करोगे कि अगर एक का नाम विक्रम रहेगा तो दूसरा जरूर होगा उसका साथी यानी बिल्हाड़। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा। जिस तरीके से हमने भोज, जो भोज करेगा उसके बाद बल रहेगा, तो हमने भोज और प्रबंध की रचना किसने की है, बल्लाल ने की है। उसके बाद हमने देखा विक्रमांक देव चरित्र की किसकी रचना की है, तो बिल्हाड़ ने की है, क्योंकि विक्रम और बिल्हाड़ ये क्या है, दोनों भाई है। तो आई होप कि आपको आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें यहाँ पे कि राजा त्रंगड़ी, तो ये तो आप सभी को याद ही होगा, राजा त्रंगड़ी किसकी रचना है। तो यहाँ पे देखो ये कलहड़ कलहड़ होता है, यहाँ पे किलहड़ लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार राजा त्रंगड़ी से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेट करके, तो आप याद कर लीजिएगा राजा त्रंगड़ी जो रचना है वो किसकी है, तो कलहड़ की है। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ये किसका मतलब कौन सा क्वेश्चन है, तो भुक्ति किसे कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भुक्ति किसे कहते हैं, तो प्रांतों को ही हम भुक्ति कहते हैं, यानी जो राजपूत था उस टाइम भुक्ति को यानी प्रांत को क्या बोला जाता था, तो भुक्ति कहा जाता था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, भुक्ति किसे कहते हैं, तो प्रांतों को ही भुक्ति कहते हैं। बात करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की, पंचकूल क्या है, पंचकूल से रिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पंचकूल क्या है, तो पंचकूल नगरीय शासन की क्या है, एक समिति। सबसे पहले तो याद करो इस तरीके से, पंचकूल जब नाम आए तो पंचकूल आप देख सकते हो पांच कुल, यानी पहले तो यही क्लियर हो गया कि इसमें एक सदस्य नहीं होगा। ठीक है, एक सदस्य नहीं होगा, बहुत सारे नाम से ही पता चलता है पंचकुल, यानी इतना तो आप रिलेट कर लो कि पांच कुल हो सकते हैं। तो पांच कुल होंगे तो यह जाहिर सी बात है कि एक समिति होगी। तो जब समिति से आप रिलेट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यह पंचकुल क्या थी, नगरीय शासन की क्या थी, एक समिति थी, यानी जो नगर के लोग थे उनकी शासन की क्या थी, एक समिति थी। तो पंचकुल क्या थी, एक समिति थी, पंचकुल यानी पांच कुल, इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। एक सदस्य तो होगा नहीं, उसमें बहुत सारे सदस्य रहेंगे, इस तरीके से पंचकुल क्या है, पंचकुल नगरीय शासन की एक समिति होती थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए 12वां प्रश्न है कि 12 नंबर आपका प्रश्न है कि कंदरिया, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था। तो बहुत महत्वपूर्ण, कंदरिया और राजपूत, अब इसको किस तरीके से याद करेंगे, तो इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। देखिए कंदरिया और इसमें महादेव भी है, तो इसको हम किस तरीके से रिलेट करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस तरीके से रिलेट करेंगे कि यहाँ पे एक कंदरिया थी, ठीक है, एक कंदरिया थी जो राजपूत की घराने की थी और जो महादेव की पूजा करती थी। ठीक है, आप इस तरीके से, या कांदनी या कंदी इस तरीके से, बट कंदरिया नाम अच्छा लग रहा है। तो कंदरिया क्या थी, राजपूत कुल घराने की थी जो महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये क्लियर हो जाएगा बहुत ही इजीली तरीके से। अब कभी भी आप कंदरिया देखोगे तो ये आपके मन में फोकस आएगा कि कंदरिया जो थी वो क्या थी, महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। ठीक है, और आप सभी को पता है कि जो महादेव यानी जो भगवान मतलब जो हनुमान है, आप इस तरीके से बंदर या जो उनकी जाति हम लोग बंदरिया भी बोलते हैं, तो
इससे रिलेट करके जो कंदरिया थी वो किस घराने की थी, तो राजपूत काल की, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो। देखिए अगला जो हमने खजुराहो मंदिर देखा था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, तो भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। ये तो आप जब भी खजुराहो देखो तो एक तो ये आप क्वेश्चन अपने मन में बैठा लेना कि जो खजुराहो वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ वहाँ पे भव्य मंदिर, कला साहित्य इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला तो हमने यही जाना कि खजुराहो मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध था, तो साहित्य, कला और भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। बट ये भी सवाल आता है कि आखिरकार इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने, किस वंश के राजाओं ने करवाया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे चंदेल राजाओं ने किया। ठीक है, चंदेल राजाओं ने किया था, और आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि मतलब मैं बस ट्रिक बता रही हूँ, चंदेल वंश यानी आप इस तरीके से याद कर सकते हो, खजुराहो यानी वो क्या सबसे ज्यादा खजुराहो जो था क्या, तो बहुत ज्यादा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था, तो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था यानी चंदेल को लोग हमेशा जो मंदिर थे वो, मैं आपसे भी बता रही हूँ चांदी के, यानी जरूरी नहीं है वो किसी की भी मंदिर बना रहे हो, लेकिन आप ट्रिक से याद कर सकते हो चांदी के ही मंदिर बनवाते थे, कभी भी चंदेल वंश के राजा जो थे वो चांदी के ही बनाते थे क्योंकि इनका नाम में क्या था, चंदेल, तो इस तरीके से इन्होंने चांदी के ही मंदिर खजुराहो में बनवाते थे। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, खजुराहो खजुराहो में मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रसिद्ध है तो मंदिर किससे बनते थे, तो चांदी से बनते थे। अब आप इसे रिलेट करोगे कि चांदी चांदी किस वंश का, तो चंदेल, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा। जब तक आप रिलेट नहीं करोगे तब तक कोई भी क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन चलिए मानते हैं लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप एक बार समझ लेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन भरा होता है, बट आप इस तरीके से रिलेट करते हो तो बहुत ईजिली तरीके से और कभी भूलेगा भी नहीं, याद हो जाएगा। बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान, यानी यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान कौन था, तो हमने इसके बारे में भी देखा था, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरा महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे इसके पॉइंट टू पॉइंट हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान जो था वो 1178 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक शासन काल इसका रहा। ठीक है, और शाकंभरी के चौहान वंश के प्रतापी शासकों में से एक था, कौन, तो पृथ्वीराज चौहान, यानी शाकंभरी के चौहान वंश के प्रतापी शासकों में से एक जो था वो था पृथ्वीराज चौहान। अब 1178 से 1192 ईस्वी में इसमें कुछ ट्रिक लाने की क्या जरूरत है। ठीक है, बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है 15 की, मिहिर भोज कौन था, तो हमने मिहिर भोज भी देखा था कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राजा था गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है, मिहिर भोज से रिलेट करके प्रश्न आते हैं, तो मिहिर भोज कौन था, तो आप यह याद कर सकते हो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, आप देख सकते हो मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक पराक्रमी एवं शक्तिशाली शासक था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखिए 16 आपका प्रश्न है कि चंद्र वरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की थी, ये भी हमने देखा था, तो फ्रेंड चंद्र वरदाई किस और ग्रंथ की रचना की, तो चंद्रवरदायी ने सुप्रसिद्ध पृथ्वीराज राजसूत की रचना की। अब इसको हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स याद करने का मैं कोई ट्रिक नहीं बना के लाई, जस्ट मैं अभी इसी टाइम क्रिएट कर रही हूँ। तो देखिए चंद्रवरदायी हो गया और पृथ्वीराज हो गया। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स इसको किस तरीके से, जैसे आपका ग्रह होता है, ठीक है, तो पृथ्वी की चक्कर कौन लगाता है, तो चंद्रमा लगाता है ना, पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है, तो चंद्रमा लगाता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो चंद्रवरदायी यानी पृथ्वी, यानी चंद्रवरदायी ने किसकी रचना की, पृथ्वी, क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर लगाती है, तो उसके बारे में ही ज़्यादा उसको जानकारी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप रिलेट करके चंद्रवरदायी और पृथ्वी, यानी चंद्रवरदायी की रचना किसने की है, तो पृथ्वी रचना की किस ग्रंथ की रचना की थी, तो पृथ्वीराज राशु की रचना की थी, तो चंद्रवरदायी पृथ्वी यानी चंद्रमा पृथ्वी की रचना की थी, कि पृथ्वी के बारे में क्या पूरा किस तरीके से वो प्रोसेस। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि मैं चंद्रमा और पृथ्वी के बारे में बता रही हूँ, ये रिलेट मैं करके बता रही हूँ कि चंद्रमा और पृथ्वी, ताकि आप सभी को अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हो चंद्रवरदायी किस ग्रंथ की, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, वो पृथ्वीराज राशोगी की।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है 17 की, परमार वंश का सबसे पराक्रमी राजा कौन था? तो देखिए फ्रेंड्स, परमार वंश का सबसे पराक्रमी राजा जो था वो था राजा भोज। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, परमार वंश का सबसे पराक्रमी एवं कृतवान राजा जो था वो था राजा भोज। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें बताने की आवश्यकता है, बात करते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, जैसे कि मान लो राजा है, ठीक है, राजा भोज इसका नाम है, और ये किस वंश से रिलेट करता है? तो परमार वंश से रिलेट करता है। अब देखिए, राजा हो गया, परमार हो गया, ठीक, जैसे कि हमने भोज वाला भोज जो था कृति वो बल्लाल ने की थी क्योंकि वो ज़्यादा भोजन किया था। अब इसको कैसे याद करेंगे? यानी जो राजा और परमार, अब यानी जो राजा होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये राजा है, ठीक है, ये राजा है, और क्योंकि उसके पास सब कुछ शक्ति होता है, वो किसी को भी मार काट सकता है, ठीक है, मतलब उसी पे आधारित होता है, उसी पर आधारित होता है, क्या उसी पर आधारित होता है, पर मार, यानी वो किसी को भी दंड दे सकता है, किसी को भी मार सकता है, कोई भी उसको दंड नहीं दे सकता, यानी जो राजा होता है वो किसी को भी मार सकता है। आप इस तरीके से याद करो, जो राजा होता है वो किसी को भी याद कर सकता है। तो इस तरीके से जो राजा राजा भोज था वो किस वंश का शासक था? तो परमार वंश का था। क्लियर? तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हो। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए खजुराहो हमने डिस्कस किया भव्य मंदिरों के लिए। अब देखो, अब आपके मन में देखिए खजुराहो आपने देखा, आपके मन में जो भी हमने कहानी बनाया था वैसा आपने कल्पना कर लिया। हमने जो कल्पना किया था कि खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है, तो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, और मंदिरें जो बनती थी या जो मूर्तियाँ बनती थी वो किससे बनती थी? तो चांदी से बनती थी, चांदी से बनती थी, केवल और केवल चांदी से ही बनती थी, और चांदी से बनती थी। तो अब हमारे मन में ये सवाल आता है, इस वंश ये खजुराहो का या किसने निर्माण किया? तो चांदी की बनती थी, यानी चंदेल वंश। तो ये पूरा कहानी आपके मन में वैसे ही कल्पना आप कर सकते हो, बट यहाँ पूछा है क्यों प्रसिद्ध है। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया, बट थोड़ा इसको थोड़ा लॉन्ग कर दिया है। तो देखो क्या दिया है कि राजपूत काल में खजुराहो में अनेक भव्य व कलात्मक मंदिरों का निर्माण किया गया था। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, अब खजुराहो के मंदिर में स्थापित मूर्तियाँ अपनी सजीवता और कलात्मक के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, वही बस कुछ ज़्यादा नहीं, बस इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, और इसकी जो खजुराहो के रचना या निर्माण किया था वो चंदेल वंश ने किया था। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन याद हो गए होंगे। नागर शैली भी हमने देखा था, नागर शैली जो होता है तीन था राजपूतों का, ठीक है। तो नागर शैली क्या है? तो उत्तर भारत में विकसित इस शैली में भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर राजा रानी और लिंगराज मंदिरों का आबू में जैन मंदिरों तथा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था नागर शैली में, ठीक है। 20वां जो आपका प्रश्न है कि तराइन का युद्ध कब हुआ? तो फ्रेंड्स ये भी हमने डिस्कस किया था, जो शुरू में क्वेश्चन था कि तराइन का युद्ध क्यों प्रसिद्ध है, तो तराइन का युद्ध दो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, एक तो 1191 में और 1192 में। देखिए 1191 और 1192 में जो युद्ध हुआ था उसमें सबसे पहले तो पृथ्वीराज की जीत हुई थी, लेकिन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। तो इस प्रकार यहाँ 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसको आसानी के साथ याद कर सकते हो। देखिए 21 क्वेश्चन है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो फ्रेंड देखिए, कोणार्क का मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर, देखो कोणार्क और सूर्य, अब भी मैं आप सभी को रिलेट करके बताऊंगी। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि कोणार्क यानी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये यहाँ पे कौन सा मंदिर है? तो कोणार्क में सूर्य मंदिर है, और फ्रेंड्स आपको पता है कि सूर्यपुत्र कौन है? तो कर्ण है। किस आपने देखा होगा महाभारत, तो सूर्यपुत्र कौन है? कर्ण। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, कोणार्क में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो कौन सा प्रांत प्रसिद्ध है, तो सूर्य मंदिर जो प्रांत है वो प्रसिद्ध है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे किस प्रांत में स्थित है, तो फ्रेंड देखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंगवर्ष के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। अभी मैं बताऊंगी आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हो। और सूर्य मंदिर कोणार्क यानी उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ही अच्छे से समझेंगे, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो यहाँ पूछा है कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन है किस प्रांत में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया। तो सबसे पहले तो हमारा जो क्वेश्चन था कोणार्क यहाँ कौन सा मंदिर
बनाया गया है, तो सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर यानी आप सभी को पता है सूर्य के पुत्र कौन थे, कर्ण, ठीक है, जो कि आप सभी को पता है कि माता जो पांडव की माँ थी, उन्होंने सबसे पहला जो पुत्र था उनका कर्ण ही था, ठीक है, उन्होंने मंत्र से मांगा था। इस प्रकार सूर्य का पुत्र कौन है, तो कर्ण, कोणार्क यानी कर्ण, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अब यहाँ पूछा है किस प्रांत में स्थित है, किस प्रांत में स्थित है, तो कोणार्क यानी उड़ीसा में स्थित है, यानी उड़ीसा में आप कह सकते हो कोणार्क में पूरी से लगभग, यानी पूरी से लगभग 30 किलोमीटर समुद्र तट पर स्थित है। तो सिंपल आप सभी को उड़ीसा याद करना है, पूरी भी याद कर सकते हो लेकिन उड़ीसा भी याद करना है, यानी आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो सूर्य मंदिर यानी सूर्य के पुत्र कोणार्क का जन्म हुआ वो कहाँ पे हुआ, उड़ीसा पे। अब ये मैं कंफर्म यानी सही नहीं है बट आप इसको याद कर सकते हो, सूर्य यानी सूर्य का पुत्र कर्ण, कर्ण का जन्म कहाँ हुआ, उड़ीसा, कहाँ पे, उड़ीसा, उन्होंने उड़ीसा में मांगा था। और देखिए फ्रेंड्स, इसकी निर्माण किसने करवाया, तो इसका जो निर्माण करवाया गंगा, गंगवस के राजा, यानी गंगा के सामने ही जो उनकी माता थी, गंगा के सामने ही मांगा था, यानी उन्होंने पानी हाथ में लेकर और गंगवस यानी गंगा के सामने ही मांगा था। और राजा नरसिंह देव यानी राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि राजा नरसिंह यानी राजा नरसिंह उस टाइम यानी आप सोच सकते हो कि वहाँ पे उनकी माता न होकर कौन हो गई, तो राजा नरसिंह, ठीक, नर इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। अब ट्रिक के माध्यम से आप भी अपना ट्रिक बना सकते हो, कोई भी टफ नहीं है। देखिए 22 क्वेश्चन है कि गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो गीत गोविंद जो रचना है वो जयदेव की थी, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये जितने भी क्वेश्चन थे 22 हमने क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और आई होप कि आपको क्लियर भी हो गया होगा ये जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर कोई भी शब्द उठा कर देता है तो आई होप कि आपको ट्रिक उस टाइम याद जरूर आएगा, और आप भी अपना ट्रिक से रिलेट करके जब तक याद नहीं करोगे तब तक याद नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।